मॉर्निंग बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट टू आपको बताने जा रहा हूं। इस पार्ट में आज मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब समझाने वाला हूं, जो आठवीं से लेकर ग्यारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, और साथ में वे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके कुछ समझ में आ सके। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था उसी को दोहरान कर रहा हूँ। पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा या है, जी है, ये है, या। दो प्रकार से होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर या है, जी है, ये है, या। हेल्पिंग वर्ब हैज हेल्प, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म हैज बीन, हैड बीन प्लस बी थ्री। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिव फॉर्म क्यों बताई जा रही है और इसका यूज कब किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तब पैसिव फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आगे जब पैसिव पढ़ाऊंगा तब यह बिंदु आपको क्लियर। अभी आप प्रत्येक टेंस की पैसिव फॉर्म याद कर लेंगे तो आपको बाद में आगे याद करना नहीं पड़ेगा और आपको पैसिव वॉइस का बिंदु समझने में सुविधा रहेगी। देखिए, हैज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम वे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे वे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। हैज हैव का प्रयोग हो गया। अब देखिए, यूजेज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम इस टेंस का यूज कब करते हैं, यानी कि ऐसा हमको क्या दिया रहता है कि हम हैज हैव प्लस बी थ्री फॉर्म का यूज करते हैं, क्या देखते हैं सेंटेंस में, हम क्या देखते हैं। तो देखिए, इसका एक ही जवाब है, हम एडवर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं बताइए? एडवर्ब, जो हमको टेंस की पहचान करने में सहयोगी होते हैं। तो प्रत्येक टेंस में आने वाले एडवर्ब अलग अलग होते हैं। पिछले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, एवर, हार्डली, स्केयरली, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, ऑफन, फ्रीक्वेंट, ये इतने सारे एडवर्ब थे, आपने याद कर लिया होगा और नहीं किया तो याद करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यूअस में नाउ, नाउअडेज, टुडे, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दिस डे, ये मैंने आपको पिछले क्लासों में लिखवा दिया है। आज प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, एक ही यूज है, जब वाक्य में ऑलरेडी, कौन सा शब्द बताइए, ऑलरेडी, येट, ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, recently, so far, till, आदि एडवर्ब दिए हों, एडवर्ब दिए हों तो इस टेंस का यूज करते हैं, तो इस टेंस का यूज करते हैं।
देखिए क्या क्या मिलता है बताइए, बदल गए ना एडवर्ब, जो मैंने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में बोले थे वो एक भी नहीं है, क्या है ऑलरेडी, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल आदि एडवर्ब दिए होते हैं, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं, और इस एक ही यूज है, ज्यादा भी नहीं इस टेंस, तो आराम से याद हो सकता है, याद करोगे तभी जाके आपको अंकों का फायदा मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु ही आता है, 4 या 5 नंबर का रहता है, इसलिए इसको कम मत समझना। क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, जैसे देखिए शी रिक्त स्थान ऑलरेडी, रिक्त स्थान मनी इन द बैंक, क्या लिखा है, शी ऑलरेडी मनी इन द बैंक, क्या करेंगे बताइए, क्वेश्चन में ब्रैकेट में आपको क्रिया देते हैं, यह लिख दिया मैंने डिपॉजिट, क्या लिखा बोले, डिपॉजिट मींस क्या होता है, जमा करवाना, तो अब आपको क्रिया की फॉर्म भरनी है, किसके आधार पर, ये जो हमारा एडवर्ब दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके आधार पर भरना है, लेकिन भरना यहां पर है या यहां पर भरना है, तो देखिए आप सभी को पता है जब 2 रिक्त स्थान आते हैं तो पहले खंड में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे खंड में मेन वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहां पर देखिए अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से यूज करेंगे, देखिए शी के साथ हैज का यूज करते हैं, हैव का, ये दे रखा हैज, तो शी के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज, और डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिपॉजिट है, डिपॉजिट है, तो बस हमको एडवर्ब देख के हैज प्लस बी थ्री भरना है, बस एडवर्ब समझ में आ गया तो हैज लगा दो और क्रिया की थर्ड फॉर्म करो, दूसरा भाई दे दियर होमवर्क येट कंप्लीट, क्या लिख दिया यहां पर, कंप्लीट, तो दे नॉट दियर होमवर्क येट, इस बात में एडवर्ब कौन सा अपना, येट, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, क्या लगाएंगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब रूप में हम हैव का प्रयोग करते हैं और वी थ्री के रूप में कंप्लीट का, कंप्लीटेड, तो दे हैव और यहां पर लिख देंगे कंप्लीटेड, ये आपका इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दिया, तो हमको विशेष एडवर्ब का ही ध्यान रखना है और कोई बात नहीं है, एडवर्ब ही टेंस का निर्धारण करता है, अगर वाक्य में एडवर्ब नहीं है तो फिर कोई दूसरा आधार दिया जाता है, लेकिन ऐसा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता है, शेष सभी टेंसों में एडवर्ब के आधार पर ही पहचान होती है, तो आप ध्यान रखना एडवर्ब का, हर टेंस के एडवर्ब आपको अच्छी तरह याद करने होंगे, तभी जाके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु सही कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा इस टेंस से संबंध में कि यहां पर 2 शब्द आपको दिए हुए हैं, एक तो दे रखा ऑलरेडी और दूसरा दे रखा येट, ये जानकारी होना आपको जरूरी है कि वाक्य में ऑलरेडी का प्रयोग कब किया जाता है और येट का प्रयोग कब किया जाता है, क्योंकि जहां पर ऑलरेडी आता है वहां पर येट का प्रयोग नहीं हो सकता और जहां पर येट का प्रयोग हो रहा है वहां पर ऑलरेडी आपके नहीं आएगा, इसलिए अब हमको जानकारी जरूरी है कि ऑलरेडी कब आता है और येट कब आता है, तो बच्चों देखिए
ध्यान रखना, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक सकारात्मक, तो आप ऑलरेडी का यूज करेंगे, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यट का यूज करते हैं। तो ये बहुत काम की बिंदु है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अपना एक ही यूज है, बस ये याद रखना, ऑलरेडी, यट, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार और टिल, ये ऐसे एडवर्ब दिए जाते हैं। तो आप इनके आधार पर आप करेक्ट फॉर्मों पर भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी बिंदु पर यह मेरा पार्ट कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अगले टेंस के साथ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो कंप्लीट हो गया, अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।